बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, आज मैं आपको रेबी लूप्स बनाने के दो तरीके बताऊंगी। इस तरह से चेपी हमने आयरन की है और इस पर इस तरह से तिरछी लाइनें लगाएंगे। तकरीबन 1 इंच की दूरी पर इस तरह से लाइनें लगाएंगे और ये पट्टियाँ अलग अलग करेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद ये पट्टियाँ अलग अलग करेंगे। ये पट्टी हमने कट कर ली है। ऐसे ही इसके दोनों किनारों से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से दोनों किनारों को फोल्ड करेंगे। इस तरह ऐसे ही इसको डबल फोल्ड कर कर इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसको डबल फोल्ड करेंगे और किनारे पर सिलाई लगाएंगे और सेम कलर धागा लगाएंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पकड़कर फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की यह वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट करके बताना आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। अब मैं पट्टी बनाने का दूसरा तरीका बताऊंगी। ये पट्टी हम पाइपिंग से बनाएंगे। इसके साथ हम दो कलर कंट्रास्ट करेंगे। इस पर ये रेड कलर लगाएंगे और दो कलर से बहुत ही खूबसूरत रेबी पाइपिंग करके दिखाएंगे। इस तरह से कपड़े को हम नीचे रखेंगे और चेपी वाला कपड़ा इस तरह से ऊपर रखेंगे और जितनी बारीक हमने ये पाइपिंग बनानी है उस हिसाब से हम सिलाई लगाएंगे। ये फिट के हिसाब से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये देखें, सिलाई हमारी लग चुकी है। ऐसे ही हम कपड़े को उल्टी साइड पर फोल्ड करेंगे और किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये देखें, सिलाई हमारी लग चुकी है। ऐसे ही हम इसको दूसरी पट्टी की तरह डबल फोल्ड करेंगे। पहले हम इधर से फोल्ड करेंगे और फिर हम पाइपिंग वाली साइड से इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह ये सिलाई के ऊपर से दोबारा सिलाई लगाएंगे। इस तरह सिलाई के ऊपर दोबारा सिलाई लगाएंगे और बहुत ही खूबसूरत ये पट्टी तैयार हो जाएगी। इस तरह से ये देखें, 3 पट्टियाँ हमने इस तरह सिंपल बनाई हैं और 2 हमने पाइपिंग वाली बनाई हैं। अब इसकी शेप बनाने का तरीका बताऊँगी। जितना बड़ा इसको आपने जितने बड़े लूप्स बनाने हैं उस हिसाब से कटिंग कर लें और इस पर अच्छे से पानी लगाएं। इस तरह अच्छे से इस पर पानी लगाएं। अगर हम खुश्क इस्त्री करेंगे तो ये इसकी शेप चेंज नहीं होगी। अगर हम इसको गीला करके इस्त्री करेंगे तो इसको जिस शेप में भी बनाना चाहें बना सकते हैं। इस तरह से देखें, जिस शेप में भी इसको बनाना चाहें, क्योंकि ये रेब कपड़ा था और रेब इसकी चेपी थी, इसलिए हम इसको जिस तरह भी बनाना चाहें ये बन सकते हैं। इससे हम दामन पर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, स्लीव डिज़ाइन बना सकते हैं और बच्चियों की फ्रॉक पर ये कट बना सकते हैं। इस तरह से देखें, इसको जिस शेप में भी बनाना चाहें ये बन जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। इस तरह देखें, इससे हम नेक डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये बनाना बहुत ही इजी है। आज मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। दुआओं में हमें याद रखना और अपना बहुत ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।